अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एमा न्यूज़ में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते चले, मैं हूँ मोहम्मद इब्रार। अब तक की ताज़ा तरीन हेडलाइंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज अहम हंगामी इजलास तलब कर लिया गया, जिसमें अहम फैसलों से मुतल्लिक सीनियर क़यादत से मुशावरत की जाएगी। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी का अहम हंगामी इजलास आज दोपहर तलब करते हुए पार्टी की सीनियर क़यादत को फौरी जरदारी हाउस पहुंचने का अहकाम जारी कर दिए। पीपल्स पार्टी अदम एतमाद के बाद की सियासी सूरतेहाल पर सीनियर क़यादत से मुशावरत करेगी और वफाकी सेटअप में पार्टी को मिलने वाली वजारतों पर एतमाद में लेगी। श्री रहमान ने कहा कि वोटिंग के दिन इंतशार फैलाओ और जिम्मेदार वजीर आजम और हुकूमत होगी। सीनियर श्री रहमान ने कहा कि इमरान खान वोटिंग के दिन 1 लाख कारकुन आने की धमकियां दे रहे हैं। इमरान खान को मालूम नहीं, मुनहरिफ अरकान के अलावा भी कुल ऐवान में हमारी अक्सरियत है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम को कारकुनान की अक्सरियत नहीं, 172 अरकान की अक्सरियत दिखानी है। कुल अपोजिशन की अक्सरियत देखने के बाद वजीर आजम को बाइज्जत तरीके से मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था। मुराद सईद ने कहा कि इमरान खान के दौर में एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 7 मार्च को धमकी अमेज़ मरासला आया, 8 मार्च को करारदाद जमा हुई। आपके दौर में 400 ड्रोन हमले हुए, गुस्ताखाना खाकों की वजह से मुसलमानों की दिल आज़ारी होती थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सुबह भर में मजीद 18 बैंकिंग अदालतों के क्याम की सिफारिश कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर डायरेक्टर जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी मसूद अरशद ने वफाकी सेक्रेटरी वजारत कानून इंसाफ को मरासला अरसाल कर दिया। मरासले में चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने पंजाब में कायम बैंकिंग अदालतों की स्कीम को तब्दील करने की सिफारिश की है। मरासले में 18 मुख्तलिफ ज़िली हेडक्वार्टर्स पर नई बैंकिंग अदालतों के क्याम की सिफारिश की गई। भारत में 2 सर 2 दिल और 3 हाथों वाले बच्चे की पैदाइश पर डॉक्टर भी हैरान हो गए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में एक ऐसे जिंदा बच्चे की पैदाइश हुई है जिसके 2 सर 3 हाथ और 2 दिल एक ही धड़ में मौजूद हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इसी तरह के बच्चों की पैदाइश होने को तिब्बी जबान डाइसेफेलिक पैरापैक्स कहा जाता है।